ओके, यहाँ पे हम बात करें ना एप्पल प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेडिशन देखने को मिलता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स हर साल चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं एप्पल की कैटेगरी में जो शायद हर साल चेंज नहीं होते। मतलब अगर आप बात करो आईफोन की, तो हर साल नया आईफोन मिलता है, हर साल आपको नया आईपैड मिल जाता है, हर साल सेम मैक नए नए तरीके से मिल जाता है आपको। लेकिन बात करें कुछ अदर डिवाइसेस की, फॉर एग्जाम्पल एयरपॉड्स की, तो वो हर साल नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले एप्पल के एयरपॉड्स के बारे में, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो देखते रहिए वीडियो। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ हाँ हाँ, देखो अब। ओके, तो बात करें यहाँ पे एप्पल एयरपॉड्स 1 की, तो उसका जन्म हुआ था 13 दिसंबर 2016 में, मतलब अभी ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं। लेकिन 2.5 साल के अंदर एप्पल एयरपॉड्स 1 का 1 रह गया है, एप्पल एयरपॉड्स 2 नहीं हुआ है। फिलहाल मैं आपको 1 दिखा देता हूँ, मेरे हाथ में एप्पल एयरपॉड्स 1 है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स ऐसी आ रही है कि एप्पल के एयरपॉड्स 2 आने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एप्पल के एयरपॉड्स 2 के बारे में कि उसके अंदर आपको क्या क्या कमाल की चीज़ें देखने को मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ एप्पल के एयरपॉड्स 1 की जो मेरे हाथ में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑसम चीज़ें हैं इसमें एज कम्पेयर टू अदर ब्लूटूथ ईयरफोन्स। थोड़ा कॉस्टली है एप्पल, लेकिन वो एप्पल की फितरत है शुरू से, स्टार्टिंग से, मतलब एप्पल ने ऐसी प्राइसिंग में तो तबाही मचा के रखी है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम एप्पल के एयरपॉड्स की बेसिकली, तो यहाँ पे 1 के अंदर देखे तो काफी अच्छे फीचर्स थे, लाइक इसकी जो कनेक्टिविटी थी वो काफी स्मूथ थी। इसमें IR सेंसर्स लगे हुए थे कि अगर आप इसको कान से बाहर निकालते हो तो आपका म्यूजिक ऑटोमेटिक प्ले पॉज होता है। उसके बाद यहाँ पे अपर सेंसर्स थे जिसको टैप करके आप सीरी वगैरह को एक्टिवेट कर सकते थे, जो काम करना था वो कर सकते थे। लेकिन ओवर द टाइम यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आए। चैलेंजेस ये आए कि यहाँ पे ओवर द टाइम वर्चुअल असिस्टेंट इतना ज्यादा हावी हो गया। वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें तो आयरन मैन मूवी में देखा होगा कि वहां पे कैसे वो जार्विस से बात करता, सेम वही चीज आपको ओके गूगल के साथ मिलता है, अलेक्सा के साथ मिलता है, या फिर हे सूर्य के साथ मिलता है। ओके, ये देखो एक्टिवेट हो गई, तभी ना बिल्कुल VI AI और फिर बोले तो वर्चुअल असिस्टेंट, इन सब ने तबाही मचा रखी है। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी लैक करती है। एयरपॉड्स 1 में सब कुछ बेहतरीन था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे लैकिंग थी, वो थी जो मेरे को कभी कभी फील होती थी, वो थी हे सीरी का कमांड। हे सीरी मतलब अगर आपको पता होगा कि अगर आप एक वॉइस कमांड देते हो तो आपके एप्पल गैजेट्स जो है वो वेकअप हो जाते हैं और आपके वॉइस के अकॉर्डिंग जो भी चाहिए वो आपको फीडबैक ला के देते हैं आपकी स्क्रीन पे। वो चीज़ यहाँ पे थी, लेकिन वो वॉइस के थ्रू नहीं थी, वो थी यहाँ पे टैप के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये फोन है और मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हे सीरी हाउ आर यू, ऐसे ये एक्टिवेट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे इशू ये था कि हर बार मेरे हाथ अवेलेबल नहीं होते हैं टैप करने के लिए। मतलब जैसे अगर मैं अपने आईफोन को ऑपरेट कर पाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हे सीरी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्टिवेट हो गया, मैं अपने वॉइस कमांड के थ्रू इन एयरपॉड्स के थ्रू नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे जो एयरपॉड्स 2 में सबसे ज़्यादा जो मस्ट रिक्वायरमेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा जो हाइप है, और जो नए एप्पल के सॉफ्टवेयर अपडेट में देखा गया, जो अभी अपडेट्स आए हैं रिसेंटली, उसमें ये पाया गया कि यहाँ पे हे सीरी का कमांड एप्पल के एयरपॉड्स में भी आने वाला है। मतलब कि अभी आप ये डबल टैप करके एक्टिवेट करते थे, लेकिन फ्यूचर में आपको डबल टैप करने की जरूरत नहीं, आप बस हे सीरी बोलो और यहाँ के थ्रू आपका फोन एक्टिवेट हो जाएगा, आपका फोन कहीं भी रहे आप उसको कमांड में ले सकते हो। साउंड क्वालिटी की बात करें तो एप्पल के एयरपॉड्स 2 में साउंड क्वालिटी आपको और बेटर मिलने वाली है। हालांकि बेटर इसमें भी है एज कम्पेयर टू जो एयरफोन्स होते हैं उससे काफी बेटर है, लेकिन एयरपॉड्स 2 में आपको और एनहेंस साउंड क्वालिटी मिलेगी। शेप एंड साइज बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा जैसा आपको एप्पल के एयरपॉड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं 1 में, यही ऑलमोस्ट शेप और साइज ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि एप्पल का ये पेटेंट रहा है कि एप्पल ने कभी अपने डिजाइन को चेंज नहीं किया है। और ऐसा माना गया है कि मतलब ये वाले जो एयरफोन्स है, ये जो साइज है, वो ऑलमोस्ट सारे कानों में बिल्कुल सही से फिट आ जाता है, तो एप्पल इसको रिटेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, मतलब पहला तो हे सीरी का आपको डायरेक्ट कमांड आ रहा है आपके एयरपॉड्स में, उसके बाद साउंड क्वालिटी बेटर हो रही है, और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। मतलब ये कमाल की चीज है कि छोटे से एयरपॉड में इतने सारे सेंसर्स है, लेकिन अब यहाँ पे और ज्यादा सेंसर्स घुसाए जाएंगे। यहाँ पे कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको हेल्थ के कुछ सेंसर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको कान में लगाते हो तो ये आपकी जो फुट स्टेप्स है उसको काउंट कर सकता है, या फिर हेल्थ की और जो एक्टिविटीज है उसको काउंट करके आपके आईफोन को डेटा भेज सकता है, और आपके आईफोन में सारा डेटा रिकॉर्ड होता रहेगा। तो मतलब अभी तक तो एयरपॉड्स कमाल के थे, लेकिन फ्यूचर में ये और ज्यादा कमाल
करने की उम्मीद रखते हैं। फिलहाल एप्पल के जो रिसेंटली मतलब 2 साल हो गए और एप्पल ने एयरपॉड्स से कुछ ज़्यादा पैसा बनाया नहीं है, क्योंकि 1 था वो काफ़ी हिट रहा लेकिन 2 आया नहीं। तो मुझे लगता है कि एप्पल को शायद अब ज़रूरत आ गई है कि एप्पल एयरपॉड्स 2 जल्दी से जल्दी लाए। वैसे आने वाला है और वो आपको देखने को मिल जाएगा 2019 के मिड तक, मतलब मार्च में जो इवेंट होता है आईपैड वाला, आई थिंक उसके आसपास आपको एयरपॉड देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद ये सारे फीचर्स आएँ, तो फिर ये मैं आप में से किसी एक को दे दूंगा और वो वाला मैं ले लूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है एयरपॉड्स 2 के अंदर और क्या क्या क्वालिटी आनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और बस इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।